नमस्कार दोस्तों, पवन सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि आप कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल में, वहां पर आपने भरना है। इनकम टैक्स रिटर्न, दोस्तों यहां से आपने जो आपके सामने वेबसाइट खुल के आती है, इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in। यहां से दोस्तों सबसे पहले आप अगर नए हैं, बिल्कुल आज तक आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं की, तो आपने यहां पर पहले सबसे पहले इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है। तो न्यू टू ई फाइलिंग रजिस्टर यूर सेल्फ, यहां पर क्लिक करके आप अपने आप को रजिस्टर कर लें। दोस्तों यहां पर सिक्योरिटी रीजन से मैं आपको ये चीजें शो नहीं कर रहा, यहां पर आपने इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है सबसे पहले। फिर दोस्तों यहां पैन नंबर भरना है, सरनेम भरना है, मिडिल नेम भरना है, फर्स्ट नेम भरना है, और डेट ऑफ बर्थ भरनी है, और रेजिडेंशियल स्टेटस भरना है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपने अपना वो डाटा आपने सही सही भर लेना है। उसमें दोस्तों मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर भरा था। उसके बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना होता है दोस्तों, फिर वो पासवर्ड कंफर्म करना होता है, फिर एक प्राइमरी क्वेश्चन सिलेक्ट करना होता है। इसमें से कोई भी प्राइमरी क्वेश्चन सिलेक्ट करके उसका आंसर देना होता है। इसी तरह दोस्तों सेकंड सीक्रेट क्वेश्चन सिलेक्ट करना होता है और उसका आंसर देना होता है। फिर प्राइमरी मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना होता है, फिर उसका बिलोंग टू प्राइमरी सेल्फ है, सिस्टर है, रिलेटिव है, या किससे रिलेटिव नंबर होता है वो डिटेल देनी होती है। फिर उसके बाद सेकेंडरी मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना होता है। फिर इसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी भरनी होती है जिस पे आपको मेल आएगी, प्राइमरी ईमेल, फिर सेकेंडरी ईमेल अगर कोई है। फिर आपने अपना दोस्तों एड्रेस भरना होता है। एड्रेस भरने के बाद यहाँ पर आपने दोस्तों कंटिन्यू कर देना होता है। इसके बाद दोस्तों आपका जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है उस पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जो आपका पैन नंबर होता है वो आपकी आईडी होती है, और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होता है वो आपकी पासवर्ड होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट टाइम मैं आपको रजिस्ट्रेशन करना बता रहा हूँ। इसके बाद आपका आईडी और पासवर्ड मिल जाता है जिससे आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं या आपने किसी सीए द्वारा अपनी रिटर्न भराई है, तो आप उससे अपने आईडी और पासवर्ड के बारे में पता कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको पवन सिंह चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पे क्लिक करना है दोस्तों। पवन सिंह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब होता है, कोई पैसा वगैरह इसके लिए नहीं देना होता। थैंक यू एंड वेलकम इन पवन सिंह चैनल।